नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बल्ली मारन विधानसभा में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं धर्मेंद्र महावर जी, जो कि बल्ली मारन विधानसभा के अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से, साथ ही पूर्व प्रत्याशी, इस बार चुनावी लड़े थे वार्ड 80 से। तो आइए इनसे बात करते हैं। धर्मेंद्र जी, क्या हाल है आपके? नमस्कार, पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ बल्ली मारन विधानसभा वार्ड नंबर 80 रामनगर के अंदर। सर, नए साल को लेके कुछ कहना चाहेंगे? नए साल की शुरुआत हो चुकी है सर। नए साल पे सभी दिल्ली वासियों को, क्षेत्र वासियों को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आपने तो फाइट की वार्ड 80 से, तो कहाँ सर कमियां, कहाँ चुक रहेगी इस बार वार्ड 80 में? नहीं, कोई कमियां नहीं रही, हमने बहुत अच्छी फाइट करी। तिकरोणी श्रृंखला थी, तिकरोणी इलेक्शन था। हमने 2017 में 7400 वोट और आपके आज की तारीख में 10500 वोट हमने लिए हैं जी। तो पहले बार चुनाव लड़े थे आप? हाँ, मैं पहली बार चुनाव लड़ा था। कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरविंद केजरीवाल जी के काम पर और मंत्री इमरान हुसैन जी के पूरे क्षेत्र के अंदर रामनगर में जितना काम आम आदमी पार्टी द्वारा कराया गया है, शायद मैं कहूँगा 70 विधानसभा में सबसे नंबर वन की सीट होगी रामनगर, जिसके अंदर इतना काम हुआ है। सर, क्या क्या काम हुआ, कुछ काम बता दो। पहले यहाँ पे हम आते थे, काफ़ी मतलब गलियाँ को हालात काफ़ी ख़राब थे क्षेत्र में। यहाँ पर जो वोटर की जनसंख्या है वो करीब है 59, पहले 57,000 कुछ थी, अब 59,600 कुछ है। और यहाँ पर जो पब्लिक पॉपुलेशन है वो कम से कम 4.5 लाख है। 4 लाख की? ओके जी। जिसमें पानी भी पूर्ति करनी है, सीवर भी पूरा करना है। क्षेत्र के विधायक और दिल्ली सरकार में लोकप्रिय मंत्री जनाब इमरान हुसैन जी के द्वारा इतना जबरदस्त काम किया गया है। हर इलाके में बोरिंग, हर इलाके में सीवर का काम, सड़कें, बहुत बेहतरीन काम जी। कहूँगा 70 विधानसभा में सबसे ज्यादा नंबर वन पे रामनगर वार्ड होगा। पहले 91 था, अभी 80 वार्ड हो गया, 80 वार्ड देख रहे हैं। ये ऑफिस है, क्षेत्रीय विधायक इमरान हुसैन जी का ऑफिस है और इसे हम खुद संभालते हैं जी सर। हम खुद ऑपरेट करते हैं और वैसे ही काम चल रहा है, आप देख सकते हैं जी सर। पूरा वैसे ही काम होता है, चाहे सीवर का हो, चाहे पानी का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे दिल्ली सरकार के जितने भी काम होते हैं सारे काम यहाँ किए जाते हैं सर। शपथ होनी थी, शपथ जो रुक गई भी इस बार टाल दी गई बीच में, क्या वजह है? वजह कुछ नहीं है, जब दिल के अंदर मैल, दिल के अंदर कुछ कपट, दिल के अंदर कुछ गलत करने की मंशा आ जाए तो वह काम गलत होने लग जाते हैं। मनोनीत पार्षद, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, इससे पहले मैं भी मनोनीत रह चुका हूँ। 2017 से लेकर 2022 तक मैं नॉमिनेट काउंसलर रहा हूँ और उसे वही बनाते हैं जो दिल्ली में जिसकी विधानसभा की सरकार होती है। बिल्कुल सर। पता नहीं क्या रूल लेके आए हैं इन्होंने, अपने पार्षद बनाए हैं, चलो बनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। शपथ जो पहले जीते हैं उनकी शपथ होगी या फिर जो ऐसा क्या डर हो गया, ऐसे क्या गलत करने की भावना हो गई जो पहले उनको शपथ दिलाई जा रही है? तो बस उसी बात पे हम राजनीति तो ये तो भाजपा वाले ही बताएंगे जी। सर, आप जैसे एल्डर मैन भी रह चुके हैं आप 5 साल तक, तो क्या क्या आपने काम किया अपने क्षेत्र के लिए सर? मेरे क्षेत्र में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जनता का इतना प्यार मुझे मिला, भरपूर प्यार मिला, मेरे परिवार में कोई राजनीति नहीं है, ना मेरे दादाजी ना मेरे नाना जी, हम तो खुद ही राजनीति में आए, खुद ही काम कर रहे हैं। इलाके में आप पता कर सकते हैं कि आम आदमी के द्वारा, आम आदमी पार्टी के विधायक के द्वारा, आम आदमी पार्टी के नॉमिनेट काउंसलर के द्वारा यहाँ इलाके में कितना काम हुआ है। हमने काम किया है, काम करेंगे। वो इस बार सर दिल्ली MCT में क्या बदलाव होने जा रहा है? आपने 15 साल का जो भाजपा गढ़ को आपने उखाड़ के फेंका इस बार, तो आम आदमी पार्टी इस बार क्या बदलाव करने जा रही है MCT में? एक गरीब आदमी जब मकान बनाता है तो उसे कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। एक गरीब आदमी जब हाउस टैक्स बनने आता है तो उसे कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। और ऐसे MCD के लाखों काम, चाहे वो जन्म पत्रिका हो, हर आदमी तकलीफ, तारीख पे तारीख, धक्के पे धक्का, अब वो सब चीज़ों का बदलाव होने जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। सर, कूड़ों के पहाड़ की आप बात कर रहे हैं, किस तरह हटेंगे कूड़ों के पहाड़ से? सर, आप तो देख ही रहे हो कि हमारे पूरे वर्ल्ड के शिक्षा मंत्री और हमारे डिप्टी CM साहब, उन्होंने अपना काम चालू कर दिया है। जिस वादे पे हम आए थे उस वादे को पूरा करेंगे और आने वाले 1 या 1.5 साल के अंदर कूड़े के पहाड़, पूरी कोशिश है कि वो पहाड़ हटेंगे। ओके। और कुछ जनता में सर संदेश देना चाहेंगे? अब जैसे मकर संक्रांत और लोहड़ी भी आ रही है, तो इस पर भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं देशवासियों को, अपने क्षेत्र रामनगर वार्ड नंबर 80 के सभी क्षेत्रवासियों को, बड़े बुजुर्ग, युवा शक्ति, माता बहनें, मेरी छोटी बहनें, सभी को मकर संक्रांति, लोहड़ी एवं
26 जनवरी की शब को दिल की गहराई से धन्यवाद देने चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और कुछ नहीं कहेंगे महावर जी आप कुछ? बस हम यही कहेंगे, हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, जैसे काम किया वैसे ही काम करेंगे और आने वाले समय में और भी बेहतरपूर्ण काम करेंगे। वार्ड नंबर 80 और वार्ड नंबर रामनगर को पूरा चमकाने का काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर, शुक्रिया। तो ये हमारी सीधी बात धर्मेंद्र महावर जी से स्टार सिटी के साथ, मैं जितेंद्र गुप्ता।